नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। स्कूल बस पलटी, 15 घायल। बुट्टी बोरी से रोजाना छात्राओं को नागपुर के सीताबर्डी स्थित धीरन कन्या स्कूल लेकर आने वाली स्कूल बस वारंगा मार्ग में पलटने से 15 छात्राएं घायल हो गयी। दुर्घटना के बाद चालक बस छोड़कर भाग गया था। यह घटना सोमवार सुबह 7 बजे हुई। हमेशा की तरह सोमवार को सुबह करीब 6 बजे यह बस छात्राओं को लेकर जा रही थी। इस दौरान बस रास्ते से हटकर पलट गई। हादसा होने से छात्राएं और घबरा गई और चीखने लगी। दुर्घटना को देखते ही लोग मदद के लिए दौड़े और छात्राओं को बाहर निकाला। इस बीच बस चालक कहीं नजर नहीं आया। लोगों ने बालिकाओं को निकालकर बुट्टी बोरी के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलने पर छात्राओं के अभिभावकों की अस्पताल में भीड़ लग गई। घटना की जानकारी मिलने पर बुट्टी बोरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आगे की जांच कर रही है। बाबा जी के अड्डे पर फिर छापा। इतवारी रेलवे स्टेशन के समीप भारतीय अखाड़े में हुआ क्लब और सट्टा चलाने को लेकर चर्चित अशोक यादव के अड्डे पर एक बार फिर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस के छापे में बाबा जी तो हाथ नहीं लगा, लेकिन उसके भाई सहित 19 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छापे में 27,300 रुपए नगद, विभिन्न सट्टा के आंकड़े लिखे हुए कागज, अन्य सामान सहित 50,665 रुपए का माल जब्त किया गया है। शंकर नगर चौक पर युवकों ने मचाया उत्पात। शंकर नगर चौक पर सोमवार को तड़के युवकों ने एक गुट में जमकर उत्पात मचाया। बेवजह जबरन दो युवकों के साथ विवाद कर उन पर हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। पुलिस ने पांडे लेआउट निवासी अंकुश गोविंद गुप्ता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी युवक अक्सर परिसर में दादागिरी करते नजर आते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।